Hey students, I wish you a good morning. And today we are going to learn sight revision of sight words and revision of four poems in English rhymes. Okay, rhyme number 1, Mary had a little lamb. Rhyme number 2, Incy Wincy spider. Rhyme number 3, Peter Patter raindrops. And rhyme number 4. Finger family. These four rhymes today we are going to do revision from our jungle rhyme book and revision of sight words. So first we taking sight words and then we taking English rhyme. Okay, so let's start with sight words. So sight words number 1, L double O K, look. Look means dekhna. Okay, L double O K, look. 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 I N in, I N in, I N in, I N in. इन का मतलब है किसी चीज़ के अंदर. फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, पुट योर पेंसिल इन योर कंपास बॉक्स. आपकी पेंसिल आपके कंपास बॉक्स के अंदर रख दो. इन मतलब किसी चीज़ के अंदर. फिर पुट योर बुक इन योर बैग. बुक आपकी बैग के अंदर रख दो. ओके, तो इनका मतलब है अंदर, किसी चीज़ के अंदर. आई एन इन, आई एन इन. एच ई आर ई हियर, एच ई आर ई हियर. हियर का मतलब है यहाँ, मतलब आप जहाँ हो उसके आसपास. फिर चाहे आप किचन में हो, लिविंग रूम में हो, बाहर कॉरिडोर में हो, कहीं पे भी हो, और अगर आपको कुछ दिखाना हो, बताना हो, बुलाना हो, तो उसके लिए हम हियर का यूज़ करते हैं. एच ई आर ई हियर. हियर मीन्स यहाँ, अहियाँ. ओके, जैसे कि आप बोलते हो ना, मामा कम हियर, हम आपको बोलते हैं कम हियर बेटा. हियर, हियर का मतलब है यहाँ. एच ई आर ई हियर, एच ई आर ई हियर, एच ई आर ई हियर, एच ई आर ई हियर. एन ओ नो, एन ओ नो, एन ओ नो, एन ओ नो. नो का मतलब तो आपको पता ही है. नो मीन्स ना, नहीं. ठीक है, सेम एन ओ टी नॉट, एन ओ टी नॉट. Not means नथी, नहीं. सेमी, जिसका आंसर हमें नहीं, ना, नो वैसे देना है, तो उसके लिए हम नो और नॉट यूज़ करते हैं. ओके, एन ओ नो होता है और एन ओ टी नॉट होता है. वाई ई एस यस, जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर आपको हाँ में देना है, तो आप यस कहोगे. ओके, और दूसरा, अगर आपको आंसर ना में देना है, नहीं में देना है, तो आप नो आंसर करोगे. ठीक है, यस मतलब हाँ. वाई ई एस यस, वाई ई एस यस. सो अगर आपको कोई पूछे डू यू नो हाउ टू राइट कर्सिव राइटिंग, अगर आपको कोई ऐसे बोले कि क्या आपको आप जानते हो कर्सिव राइटिंग लिखना, आपको कर्सिव राइटिंग लिखना आता है, अगर आपको आंसर में यस कहना है, हाँ आता है कहना है, तो आप क्या बोलोगे, यस. और अगर नहीं आता है तो आप क्या बोलोगे, नो. ओके, नेक्स्ट इज सी ए एन, कैन. कैन मतलब, ये कैन जो है वो वन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है जो हमें यूज़ करना है, लेकिन वो आपके लिए मैंने आपको पहले जब किया तब समझाया था ना, कि अभी आपको ये नहीं आएगा, आपको सिर्फ वर्ड्स
रिमेन करना है, याद रखना है, CAN कैन। कैन मतलब अगर हम कुछ कर सकते हैं जो पॉजिटिव हो, मतलब जो हाँ में हम यूज़ करते हैं वो कैन यूज़ करते हैं। और अगर कांट हो, CANT कैंट भी आता, कांट भी आता है ना शायद, हाँ ये रहा देखो, CANT कैंट मतलब नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी। अगर पॉजिटिव के लिए हम CAN कैन यूज़ करेंगे, अगर आपको कुछ आता है तो आई कैन डू दिस, ओके, आई कैन डू राइट कर्सिव राइटिंग, मैं कर्सिव राइटिंग लिख सकती हूँ, तो उसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन। एंड अगर हम ओके, वो कैंट का मैं बाद में लूँगी, अभी आएगा नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट है Y O U, ओके, Y O U, U मीन्स टू, आप, Y O U, U, ओके। नेक्स्ट इज W H E R E, वेर मीन्स कहाँ, ओके, क्या, वेर मीन्स कहाँ क्या। W H E R E, वेर, W H E R E, वेर, W H E R E, वेर। IS is का मतलब है और गुजराती में छे, ओके। दिस इज माय पेंसिल, आ मारी पेंसिल छे, ये मेरी पेंसिल है, ओके। तो वो है जो आता है उसके लिए हम इज यूज करते हैं, IS is, MY, my, my means mera, MY, my means mera, this is my pencil, my yani ye meri pencil hai, HOME, home means ghar, HOUSE, house, aur HOME, home, dono ka matlab same hai, dono ka matlab hota hai ghar, okay, HOME, 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 home. Next is COME, 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 come means यहाँ, sorry, come means आना, बुलाना, अगर हम बुलाए come here मतलब आओ, यहाँ आओ, ओके, COME, 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 come. DAD, dad, dad means papa, DAD, dad, STOP, 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 stop means रुक जाओ, stop means रुक जाओ, STOP, stop, AND means और, अगर आपको बोलना हो मेरे पास एक चॉकलेट है, वन चॉकलेट है और वन कैडबरी है, ओके, तो आप क्या बोलोगे, I have one chocolate and one Cadbury, ओके, तो इसका मतलब है and, अगर दो चीज़ होती है, चलो चॉकलेट कैडबरी नहीं जाने दो, कुछ और करें, तो आइसक्रीम है और आपके पास दूसरी केक है, तो आप एक आइसक्रीम और दूसरी केक, तो दो चीज़ों को साथ में बोलने के लिए हम एंड यूज़ करते हैं, ओके, आई हैव वन आइसक्रीम एंड केक, ऐसे, ओके, तो एंड का मतलब होता है और, AND, BUT,
बट मीन्स लेकिन, बट मीन्स लेकिन. आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम बट आई वॉन्ट टू ईट पानीपुरी ऑल्सो. ओके, मुझे आइसक्रीम तो खाना है लेकिन मुझे पानीपुरी भी खानी है. लेकिन, ठीक है, दोनों खाना है मीन्स ब्यूटी बट, ब्यूटी बट, ब्यूटी बट, ब्यूटी बट, ब्यूटी बट, ब्यूटी बट. एफ ओ एस टी फास्ट, एफ ओ एस टी फास्ट, फास्ट मीन्स जल्दी फटाफट. एफ ओ एस टी फास्ट, एफ ओ एस टी फास्ट, एफ ओ एस टी फास्ट. नेक्स्ट इज एच ई एल पी हेल्प, एच ई एल पी हेल्प. हेल्प यानी मदद. हम किसी की मदद करें ना, वो क्या है? हेल्प. हमें हमेशा हमारे फ्रेंड्स की क्या करनी चाहिए? हेल्प. एच ई एल पी हेल्प, एच ई एल पी हेल्प. आई, आई मीन्स मैं. ओके, आई मीन्स हूँ, मैं. डब्ल्यू ई वी, वी मीन्स बधा, सब मीन्स ऑल. ओके, डब्ल्यू ई वी. नेक्स्ट इज सी ए एन टी कांट. मैंने बोला ना ये एक प्रीपोजिशन है. कैन का मतलब पॉजिटिविटी होता है. अगर हम कुछ कर सके उसके लिए कैन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ना कर सके तो उसके लिए हम कांट यूज़ करते हैं. जैसे कि आई कांट राइट इन कर्सिव राइटिंग, मैं कर्सिव राइटिंग नहीं लिख सकती. ओके, एंड आई कैन राइट इन कर्सिव राइटिंग, मैं कर्सिव राइटिंग लिख सकती हूँ. ठीक है, ये एक प्रीपोजिशन है सी ए एन टी कांट. कैनॉट, कैनॉट, कैनॉट और कांट, ये कांट है वो शॉर्ट है, शॉर्ट नेम में लिखा है. इसे हम कांट भी यूज करते हैं और कैनॉट भी यूज कर सकते हैं. ओके, एच ई ही, ही मीन्स ते. एच ई ही, एच ई ही. एम ई मी, एम ई मी, मी मीन्स मेरा, मैं. आई का मतलब भी मैं होता है और मी का मतलब भी मेरे लिए. ओके, ऐसे होता है. एम यू एम मम, मम, मम का मतलब है मम्मी. एम यू एम मम, एम यू एम मम. देखो एम ओ एम होता है तो वो क्या होता है? मम होता है. एम ओ एम क्या होता है? मम. एंड एम यू एम क्या होता है? मम. ओके, दोनों के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है. एम यू एम होता है तो वो क्या है? मम. एंड एम ओ एम मम, एम ओ एम होता है तो वो क्या होता है? मम. ओके, फिर आई टी इट, इट मतलब ते. आई टी इट, आई टी इट, आई टी इट. एल ए डी लैड, एल ए डी लैड, लैड का मतलब है छोटा बॉय. ओके, एल ए डी लैड, एल ए डी लैड. बी ई एन बैन, बी ई एन बैन. मैंने समझाया था ना आप लोगों को कि हमारी मम्मी होती है उसके पीछे हम बी ई एन बैन यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मेरा नाम कीर्ति है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? माय नेम इज़ कीर्ति बैन. ठीक है, एच आई डी ई हाइड, एच आई डी ई हाइड. हाइड मीन्स छुपाना. ओके, जे आई डबल एल जिल, जे आई डबल एल जिल. ये एक नाम है जो बॉय के लिए भी यूज़ होता है और गर्ल के लिए भी यूज़ होता है. ओके, टी ओ एम टॉम, टी ओ एम टॉम. ये भी एक नेम है. ठीक है, यू पी अप, अप मीन्स ऊपर. यू पी अप, अप मीन्स ऊपर.
L-I-K-E, like. Like means अच्छा लगना. ओके L-I-K-E, like. L-I-K-E, like. R-U-N, run. Run means दौड़ना. R-U-N, run. R-U-N, run. I can run fast. मैं fast दौड़ सकता हूँ. T-H-I-S, this. T-H-I-S, this. This means ये. देखो ये पेंसिल है बराबर, तो दिस इज पेंसिल, ये पेंसिल है. ओके ओ एन ऑन. ऑन मीन्स किसी चीज के ऊपर. नाउ आई गिव यू वन एग्जाम्पल. लुक एट हियर, दिस इज बुक. ओके एंड दिस इज टेबल. सो आई कैन से दिस माई बुक्स इज सॉरी माई बुक्स आर ऑन द टेबल. मेरी बुक्स जो है वो टेबल के ऊपर है. ओके माई बुक्स आर ऑन द टेबल. ऑन मीन्स किसी चीज के ऊपर. एस डबल ई सी. सी मीन्स देखना. एस डबल ई मीन्स सी. सी मीन्स देखना. एस पी ए आर के वाई स्पार्की. स्पार्की मतलब झनझनाती. अगर लाइटिंग में वो जो होता है ना, तनखे होते हैं, फायर होता है, शॉट लगता है तब, हाँ तो वो जो झनझनाती होती है वो है स्पार्की. एस पी ए आर के वाई स्पार्की. अगेन सी सेम एस डबल ई सी मीन्स देखना. नाउ लुक एट हियर. ओ यू टी आउट. आउट मीन्स चले जाओ. हम बोलते हैं ना गो आउट फ्रॉम द क्लास. गो एक्सक्यूज मी. गो आउट फ्रॉम द क्लास मीन्स क्लास के बाहर चले जाओ. पी एल ए वाई प्ले. प्ले मीन्स खेलना. पी एल ए वाई प्ले. पी एल ए वाई प्ले. डी ओ डब्ल्यू एन डाउन. डाउन मीन्स नीचे. देखो ये जो हमारा अप आया ना, यू पी अप मीन्स ऊपर एंड डी ओ डब्ल्यू एन डाउन मीन्स नीचे. ये दोनों क्या है, अपोजिट्स है. वो हमें अभी दिवाली के बाद आपका सीखना आएगा, हमारी सेकंड टर्म स्टार्ट होगी ना तब हम अपोजिट सीखेंगे. तो उसमें ये अप एंड डाउन वाला अपोजिट आएगा. अप यानी ऊपर एंड डाउन यानी नीचे. अप यानी ऊपर एंड डाउन यानी नीचे. ओके नेक्स्ट इज एफ ओ आर फॉर. एफ ओ आर फॉर. फॉर मीन्स मेरे लिए, आई मीन लिए, किसी के लिए. जैसे कि प्लीज डू इट फॉर मी. प्लीज डू इट फॉर मी. मेरे लिए ये कर दो. ऐसे तो किसी के लिए कुछ करे तो वो क्या होता है, फॉर. फॉर ये क्या है, एफ ओ आर फॉर. लेकिन एफ ओ यू आर क्या होता है, फोर. एफ ओ यू आर क्या होता है, फोर. लेकिन एफ ओ आर क्या होता है, फॉर. ठीक है. वैसे जी ई टी क्या होता है, गेट. गेट इट फॉर मी. वो ले, गेट मीन्स ले आना. ओके ले आना मेरे लिए, मेरे लिए ले आना प्लीज. गेट मीन्स लेना, कुछ मिल जाना. अगर आपका इरेजर खो गया है और आप उसे ढूंढ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आई गेट इट. गेट इट मीन्स मिल जाना. ओके लेकिन जी ए टी ई क्या होता है, गेट होता है. ओके जी ओ गो. गो मीन्स जाओ. सी ओ एम ई एस कम्स. कम्स मीन्स आ गए या तो फिर आ जाना. यू एस अस. अस मीन्स सब लोग. डब्ल्यू ई वी. वी मीन्स भी सब लोग. डब्ल्यू आई डबल एल विल. ये भी एक टाइप का प्रीपोजिशन है, मतलब आई विल डू इट. मैं ये कर सकती हूँ, आई विल. ओके ए टी एट.
मैंने आपको ये समझाया था कि किसी का एड्रेस बताना हो या तो फिर हमें टाइमिंग बतानी हो तो उसके लिए हम ATAT यूज़ करते हैं। ओके, DUCK, डक मीन्स बतक। ठीक है, सो स्टूडेंट्स 50 तक के हमारे साइट वर्ड्स कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट पीरियड में हमारा जब आएगा तब हम वी स्टार्ट फ्रॉम नंबर 51। ओके, नाउ लेट्स डू रिविजन ऑफ इंग्लिश राइम्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज मैरी हैड अ लिटिल लैम। Mary had a little lamb. Its fleecy was white as the snow. And everywhere that Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Let's speak again. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Its fleecy was white as the snow. And every day Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Its fleecy was white as the snow. And everywhere that Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Okay? Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Its fleecy was white as the snow. And everywhere that Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. ठीक है? Now we do next number. Next poem rhymes is Incivincy Spider. Incivincy Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the Incy out. Out came the sun and dry up all the rain. Incivincy Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the Incy out. Out came the sun and dry up all the rain. Incivincy Spider went up the spout again. Incivincy Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the Incy out. Out came the sun and dry up all the rain. Incivincy Spider went up the spout again. Incivincy Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the Incy out. Out came the sun and dry up all the rain. Incivincy Spider went up the spout again. Let's one more time speaking. Incivincy Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the Incy out. Out came the sun and dry up all the rain. Incivincy Spider went up the spout again. Okay?
Now, number third is Pitter Patter Raindrops. Pitter patter raindrops falling from the sky. Here is my umbrella to keep me dry. When the rain is over and the sun begins to glow, little flowers start to bud and grow and grow and grow. Pitter patter raindrops falling from the sky. Here is my umbrella to keep me dry. When the rain is over and the sun begins to glow, little flowers start to bud and grow and grow and grow. Okay? Let's speak again. Pitter patter raindrops falling from the sky. Here is my umbrella to keep me dry. When the rain is over and the sun begins to glow, little flowers start to bud and grow and grow and grow. Pitter patter raindrops falling from the sky. Here is my umbrella to keep me dry. When the rain is over and the sun begins to glow, little flowers start to bud and grow and grow and grow. Pitter patter raindrops falling from the sky. Here is my umbrella to keep me dry. When the rain is over and the sun begins to glow, little flowers start to bud and grow and grow and grow. Now number fourth is Finger Family. This is the father, short and stout. This is the father, short and stout. Okay? This is the mother with children all about. Ye, this is the mother all children ke saath. This is the brother, tall as you can see. ये ब्रदर है जो लंबा है जो हम देख सकते हैं. ओके, दिस इज द सिस्टर विथ अ डॉली ऑन हर नी. ये सिस्टर है जो डॉली जैसी है. दिस इज द बेबी स्टिल टू ग्रो. ये जो है वो बेबी है जो अभी ग्रो कर रहा है, मीन्स बड़ा हो रहा है. दिस इज द फैमिली ऑल इन अ रो. ये जो है वो पूरी फैमिली है जो लाइन में स्टेप बाय स्टेप आती है. ओके, तो ये कौन है? दिस इज द फादर, दिस इज द मदर, दिस इज द ब्रदर, दिस इज द सिस्टर एंड लिटल वन इज बेबी. ओके, तो ये हमारी फाइव फिंगर फैमिली है. लेट्स सिंग नाउ अगेन. This is the father, short and stout. This is the mother with children all about. This is the brother, tall as you can see. This is the sister with a dolly on her knee. This is the baby still to grow. This is the family all in a row. This is the father, short and stout. This is the mother with children all about. This is the brother, tall as you can see. This is the sister with a dolly on her knee. This is the baby still to grow. This is the family all in a row. Okay? Let's sing one more time. This is the father, short and stout. This is the mother with children all about. This is the brother, tall as you can see. This is the sister with a dolly on her knee. This is the baby still to grow.
दिस इज द फैमिली ऑल इन रो। ओके, तो ये फोर जो राइम्स है वो हमने रिविजन की। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू दिस फोर राइम्स इन वीडियो। ओके, climbed up the spout again.